कलम बांधे पौधों के दो भाग होते हैं। निचला भाग बीज से उत्पन्न छोटी पौध का होता है, जिसको प्रकंद कहते हैं। ऊपरी भाग मादा पौध का होता है, जिसको कलम कहते हैं। प्रकंद मजबूत मूसला जड़ प्रणाली सहित दृढ़ रोग रहित पौध होना चाहिए। आम के कलम बांधे पौधों के लिए जंगली किस्मों की बड़ी गुठलियों को क्यारियों में बोया जाता है। इनसे मजबूत पौध उत्पादन होता है। गुदेदार किस्मों की गुठली और अचार बनाने वाले उद्योगों से प्राप्त परिपक्व गुठलियों का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रकंदों के लिए चंपक या रेयॉन बीजों को गमले या पॉलिथीन थैलियों में बोया जाता है। कलम मादा पौधे के नए प्रकार से बढ़ा परिपक्व तना होनी चाहिए। यह प्रसुप्त उभरे वानस्पतिक बाहुल्य दन पूंजी कलिका होनी चाहिए। कलम रोगों व तना छेदक जैसे कीटों से रहित होनी चाहिए। अलग करने के 4 दिन पहले ही मादा पौधे पर ही कलम के पत्तों को काट देना उचित है। पत्तों को हाथ से तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसको ऐसे काट देना चाहिए जैसे कि पत्तों के डंठल तने पर ही रहे। कलम बांधने के लिए ताज़ी कलमों का ही इस्तेमाल कीजिए। फिर भी इसको एक गीली बोरी में 2 दिनों तक रखा जा सकता है। सभी पद्धतियों में कलम बांधने का तत्व एक जैसा ही है। बराबर काटने के बाद दोनों तनों की केम्बियम कोशिकाओं की परतों को एक साथ बांध दिया जाता है। एक अन्य विधि में स्वतंत्र पौधे प्राप्त होने के लिए तनों पर जड़ लगने को प्रेरित किया जाता है। इस मूल तत्व के आधार पर कलम बांधने की कई विधियां प्रचलित हैं।